सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाई कोर्ट के जजों के कोर्ट रूम में लेट आने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन कुछ जज सुबह 11:30 बजे बैठते हैं और 12:30 बजे उठ के चले जाते हैं, जबकि कोर्ट का समय 1:30 बजे तक होता है। जस्टिस गवई ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायालय ने याचिका को नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामले को उठाने की छूट दी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यूपी में गरीबों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है, ऐसी सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हिंदू व्यक्ति को ईसाई बनाने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द करते हुए टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक वैज के शराबबंदी वाले ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई थी, तब दीपक वैज ने शराबबंदी को लेकर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बीजेपी ने जो गारंटी दी उसे पूरा करके दिखाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कार्यभार संभालते ही इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की समीक्षा की। उन्होंने पहली ही बैठक में अफसरों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। मुख्य सचिव ने कहा कि रोजाना 5 शिकायतों का परीक्षण कराया जाएगा, साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं। मध्य प्रदेश की इकलौती हेरिटेज ट्रेन से वादियों का दीदार करने के लिए पर्यटकों को अभी 1 से 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ सकता है। इस साल ये ट्रेन मानसून लेट होने के कारण रेलवे इस ट्रेन का संचालन जुलाई माह के अंत से शुरू करने की योजना बना रही है। शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलाई जाएगी। पर्यटक संख्या बढ़ने पर 7 दिन ट्रेन चलाई जा सकती है। राजगढ़ में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला सुठालिया थाना इलाके के माधोपुर गांव का। बताया जा रहा है कि पति कई दिनों से पत्नी की चरित्र पर शक कर रहा था, इसी के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। एटा में दीवार के नीचे मलबे में मासूम का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मासूम राघव घर से निकला था, इसके बाद वो घर नहीं लौटा और उसके बाद परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जबलपुर में 11वीं की छात्रा की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। 16 साल की छात्रा किसी और लड़के के साथ कार में थी। आरोपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जब छात्रा और उसका दोस्त घूमकर लौटे, आरोपी भी दौड़ लगाते हुए पीछे गया और वह पहले ही हत्या का मन बना चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, ओमती इलाके के घंटा घर पर ये कार रुकी थी। इंदौर के एक आश्रम में 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के खून में इन्फेक्शन मिला है। बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया। सभी बच्चे मल्हारगंज स्थित श्री युग पुरुष धाम में रह रहे थे। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक करण की सोमवार को तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। आकाश ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस फिलहाल अब जांच कर रही है। ललितपुर में चिकित्सक से 12 लाख की फिरौती मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने चिकित्सक के बेटे का अपहरण कर उसे जान से मारने की धमकी दी। सदर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की थी। शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी का शहर की सड़क पर जुलूस निकाल दिया। आरोपी पुलिस के साथ अपना जुर्म स्वीकारते हुए भविष्य में कभी भी ऐसी हरकत ना करने की बात कहते हुए चल रहा था और आरोपी को नई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि आरोपी ने सवारियों से भरी बस पर पथराव किया था, साथ ही बस के सभी शीशे भी फोड़ दिए थे। जयपुर में पुलिस ने रंगदारी वसूली वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक शराब और खनन ठेकेदारों से डरा धमकाकर रंगदारी मांगने के मामले में वैशाली पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वही अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से रंगदारी के खेल में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही।
ताजा मामला भोपाल के जागीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में शातिर गौ मांस तस्कर पर पुलिस ने शिकंजा कसा। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आरोपी शाहिद उर्फ मल्लू की 1,29,00,000 रुपए की संपत्ति, दुकान और मकान को कुर्क किया गया। इस संपत्ति का प्रशासक एसडीएम बीसलपुर को नियुक्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। मेरठ में भाजपा नेता चंद्रमोहन गोयल के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके घर सेवा के लिए आने वाली नर्स का सगा भाई निकला। नर्स के भाई गौरव ने अपने दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने देहरादून से आरोपियों को गिरफ्तार करके 1,72,000 रुपए कैश और लूट के पैसों से खरीदा गया आईफोन बरामद कर लिया। भोपाल में कमला नगर इलाके के नेहरू नगर बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई। इसके बाद से हड़कंप मच गया है और ये लड़कियां कहां गई इसे लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं। बालिका गृह की अधीक्षक आकांक्षा सिंह तोमर कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नाबालिग लड़कियों की तलाश में जुटी हुई। आगरा के बाह में देर रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 3 दोस्तों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा बाह के बिजकोली में हुआ। हादसे के बाद कार में फंसे बासोनी के पूरा निमडाड़ा गांव के रहने वाले 3 दोस्तों की मौत हो गई। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटोरा बाईपास के पास देर रात एक सड़क हादसा हुआ। एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी तो हादसे में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे के मोटक्का के पास कंटेनर वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवती की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कंटेनर वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कन्नौज में चलती स्कूल वैन में भीषण आग लग गई। पूरी घटना छिबरामाऊ कोतवाली क्षेत्र की। बताया ये जा रहा है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए वैन में बैठकर जा रहे थे, तभी वैन में लगी सीएनजी किट में लीकेज के बाद उसमें आग लग गई। वैन में 1 दर्जन बच्चे सवार थे। गांव वालों ने आनन फानन में वैन के अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला। ये बच्चे सीपीएल पब्लिक स्कूल के हैं। हरियाणा के करनाल में तारावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों का संचालन रोक दिया है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। मालगाड़ियों का संचालन रोक दिया गया है और इस रूट पर रोजाना 60 से 70 रेलगाड़ियां अप डाउन कर रही हैं। चंदला में गिट्टी के ट्रक बिना रॉयल्टी धड़ल्ले से बॉर्डर पार कर रहे हैं। मामला चंदला विधानसभा की क्रेशर मंडी का। यहाँ क्रेशर संचालकों की मनमानी जारी है। क्रेशर संचालकों ने राजस्व चोरी का नया तरीका निकाला है। इन संचालकों ने ट्रक चालकों से सांठगांठ कर बिना रॉयल्टी के माल देना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँच रहा है। खेरागढ़ में रबी की फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। किसानों ने आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक के लगभग 200 खाता धारक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही किसानों ने एडीएम प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपकर जल्द रबी फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। खटीमा क्षेत्र के सेजना ग्राम सभा में बिना परमिशन के 50 आम के पेड़ काटने का मामला। अब इसे लेकर पीड़ित नितिन सिंह ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। नितिन सिंह राणा के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन पर लगे पेड़ काटने की सूचना मिली थी। इसके बाद कुछ लोगों के साथ जब वो खेत पर पहुंचे तब तक माफिया फरार हो गया। फतेहपुर के सोरा गांव में मदरसे से लापता बच्चे का शव कुएं में मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलती ही एसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के अनुसार 9 साल का मासूम बीती शाम से लापता था। बताया जाता है कि मासूम के शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया गया। जब बोरी निकाली तो बच्चे का हाथ पैर बंधा हुआ था।
कन्नौज में गांव के बाहर युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। युवक दोपहर में बाजार जाने के लिए निकला और खेत में काम कर रहे किसानों ने शव को फांसी के फंदे पर झूलता देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के करोदा शाहनगर का ये मामला। इलाके में घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में दो अंतर्राष्ट्रीय ठग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए होटल किला लॉज की रिव्यू से रेटिंग पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर करीब 28 लाख की ठगी की गई। वहीं दुबई में बैठे सरगना ने हिमाचल प्रदेश की बाहरा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये साजिश रची थी। इस पूरे मामले में मध्य अफ्रीका और बांग्लादेश के दो आरोपी शामिल हैं। धमतरी में गाय से टकराकर एक युवक की मौत हो गई, तो वही पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले इसी रोड पर एक और युवक की मौत गाय से टकराकर हो गई थी। बताया जा रहा है कि धमतरी शहर के बठीना पारा निवासी प्रवीण सिंह ठाकुर अपने मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। लक्ष्मी निवास चौक के पास एक गाय भागते हुए आई और वो उसका शिकार हो गया। मसूरी में देर रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि तेज बारिश के कारण मसूरी जेपी बैंड के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, इससे कई वाहन सड़क पर फंस गए। मलबे के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीतापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ गई थी, जिसे देख अस्पताल ने मरीज को जबरन डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद परिवार वाले मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। सूरजपुर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि खेत में मवेशी चराने से नाराज होकर आरोपी ने एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। रामानुजनगर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। महोबा में तैनात प्रभारी रोडवेज एआरएम की लापरवाही सामने आई है, जहां यात्री अनफिट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। दरअसल मानिकपुर से महोबा आ रही डिपो की रोडवेज बस में बस की छत से बारिश का पानी टपकने का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग पानी से बचने के लिए बस में छाता लगाकर बैठे हैं। बता दें कि शासन ने अनफिट बसों को न चलाने के निर्देश दिए। गोंडा जिले की कर्नेलगंज तहसील के अधिकारियों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। तहसील के अधिकारियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उपजिलाधिकारी समेत तहसीलदार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। पन्ना में लंबे समय से चल रहे नकली घी के कारखाने में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और 1000 लीटर नकली घी बरामद किया। इस पूरी कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय की भूमिका संदेह के दायरे में बताई जा रही है, क्योंकि पहले कारखाना संचालक ने कबूल किया कि वह डालडे में केमिकल मिलाकर नकली घी बना रहा था। पन्ना सत्ता समेत अन्य स्थानों में बेचता था, लेकिन बाद में मामला पलट गया। शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई स्थिति बनी हुई है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया है। अभी सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है, यह 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकन फर्म हिडनबर्ग रिसर्च को भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी से 46 पेज का कारण बताओ नोटिस मिला है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए थे। रिसर्च फंड ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि नोटिस में बताया गया कि उसने नियमों का उल्लंघन किया। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, ये बकवास। टीम इंडिया तूफान बैरल की वजह से बारबाडोस में फंसी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के अगले दिन टीम इंडिया को वापसी करनी थी, लेकिन तूफान के कारण टीम इंडिया भारत के लिए रवाना नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया को बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाएगी। भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज की मेजबानी के लिए जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान हो गया है। 6 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे के लिए अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर रजा को टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम इस सीरीज में बतौर वर्ल्ड चैंपियन हिस्सा लेने जा रही है। टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे।
सिंगापुर एफआईडी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी करने जा रहा है। यह मुकाबला डी गुकेश और चीन के डिंग लीरेन के बीच 20 नवंबर और 15 दिसंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी के लिए एफआईडी को 3 एप्लीकेशन मिले थे। मेजबानी के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली और तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के लिए अप्लाई किया था। इसका फायदा उठाकर सिंगापुर ने बिडिंग की। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया मंगलवार की सुबह मुंबई से रवाना हुई। भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। टीम के कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। टी20 वर्ल्ड कप खेलने गए टीम के कुछ खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल हैं। फिल्म प्रोड्यूसर जैके भगनानी ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि अक्षय कुमार ने किस तरह उनकी मदद की। अक्षय उन्होंने कहा कि अक्षय सर ने हाल ही में इस मामले पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की। पूरे मामले के बारे में जानने के बाद अक्षय ने कहा कि उनके प्रोजेक्ट में काम करने वाले हर एक्टर और क्रू मेंबर को पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक उनकी फीस को रोक दिया जाए। फिल्म द बकिंगम मर्डर्स में एक्ट्रेस करीना कपूर महिला जासूस के किरदार में नजर आने वाली है। ये फिल्म 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में एश टंडन, रणवीर बरार और किथ एलन जैसे बेहतरीन एक्टर्स हैं। मेकर्स ने फिल्म की सीरीज की डेट की घोषणा करते हुए एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया और लिखा कि हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि द बकिंगम मर्डर्स 13 सितंबर को रिलीज होगी। वहीं एक्टर सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सिफारिश दी थी। इसके लिए आरोपी पाकिस्तान से AK-47 राइफल खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने जिगाना पिस्टल भी मंगवाने की कोशिश की। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फिल्म 5 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, अब अपनी रिलीज डेट से आगे बढ़ गई है। इसकी वजह बम्पर कलेक्शन कर रही प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी बताई जा रही है। कल की 2898 एडी के लिए थिएटर्स में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म जानबूझकर अपने नुकसान नहीं करवा रही। मध्य प्रदेश में जुलाई महीने में सामान्य से 106% बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस महीने प्रदेश में एवरेज 15 इंच बारिश होती है, तो वही कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना भी है। मंगलवार को भोपाल इंदौर समेत पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। पूरे यूपी में मानसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ बैराज समेत 10 शहरों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर बिजली भी गिर चुकी है। बता दें कि बिजली गिरने से अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जरूरी काम से ही बाहर निकले, पेड़ और होर्डिंग्स के पास न खड़े हों। मंगलवार को बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अगले 3 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा समेत 9 जिलों के लिए हेवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों में रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में हल्की बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के 3 जिलों बालोदाबाजार, बीजापुर और सुकमा में औसत से अधिक बारिश की रिकॉर्ड की गई। झारखंड में पूरे राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। आपको बता दें 3 जुलाई तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना है। बता दें राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है।